खिलाफ मोहाली के मैदान में वनडे में ये तीसरा दोहरा शतक लगाया है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारी, तीसरी बार डबल सेंचुरी और अब दूसरा का तीसरा अजूबा श्रीलंका के खिलाफ ही मोहाली में। यू नो इट्स समथिंग दैट यू कांट पिन पॉइंट बिकॉज आई मीन रोहित हैज डन इट टू टाइम्स। आई डोंट थिंक दैट यू नो आई कैन हिट एज मेनी शॉट्स एज हिम इन द लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, डबल सेंचुरी, 208 कप्तान की इनिंग्स, नॉट आउट, स्ट्राइक रेट, हुकअप बहुत अच्छा, उसका पुल बहुत अच्छा, उसका सब कुछ है। रोहित शर्मा एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। ओडीआई में रोहित को छेड़कर लंका अपने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर चुका था और उसकी इस गलती का खामियाजा भुगत रहा था लंका का संपूर्ण क्रिकेट इतिहास। कहा जाता है कि उन दिनों क्रिकेट की दुनिया में उसका आतंक था और उसके आतंक की गवाही है ये गेंदबाज जिनके करियर का अंत उसकी पारी में। कुछ ऐसी ही कहानी है उस दिन उस एक मैच की। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द आतंक ऑफ इट मैन। 22 दिसंबर 2017 इंदौर का ये मैदान, विराट की अनुपस्थिति में भारत की कप्तानी स्वयं कप्तान रोहित शर्मा के पास थी। लंका ने टॉस जीतकर रोहित को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। पारी की शुरुआत कर रहे स्वयं कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल पहले ही ओवर से मैथ्यूज पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने बैक टू बैक दो चौके जड़कर इस मैच में आने वाले तूफान का संदेशा दे दिया। 3 ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के 18 रन जड़ डाले। शुरुआती 3 ओवर में लंका को जरा भी अंदेशा नहीं था कि इस मैच में आगे क्या होने वाला है, परंतु आने वाला वक्त बताने वाला था कि ये मैच क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला है। पावर प्ले के 4th ओवर में केएल के शॉट के साथ आरंभ होता है वो विनाशकारी, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रलय। अगले ओवर में ये दोनों बल्लेबाज नुवान प्रदीप पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते। प्रदीप की पहली बॉल और हिट मैन का ये शानदार सिक्स, फिर केएल ने एक छक्के और एक चौके के साथ प्रदीप के इस ओवर से 17 रन बटोरे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में लंका के कप्तान ने अखिला धनंजय को आक्रमण पर उतारा। रन रथ पर सवार कप्तान रोहित शर्मा अखिला धनंजय के इस ओवर से 16 रन वसूल लिए। टीम इंडिया के लिए पावर प्ले खत्म हो चुका था। रन रथ पर सवार कप्तान रोहित शर्मा का भीषण विध्वंस प्रारंभ हो चुका था और इस विध्वंस की बदौलत भारत बिना किसी नुकसान के पावर प्ले में 59 रन बना चुकी थी। परंतु ये विध्वंस पावर प्ले तक सिर्फ सीमित नहीं था। कहा जाता है कि उस दिन हिटमैन को बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रही थी। रोहित और राहुल ने 7th ओवर में परेरा पर प्रहार करना प्रारंभ किया और 2 चौकों की मदद से 12 रन बटोर लिए। क्रिकेट के मैदान में बीतता हर वक्त लंका के लिए एक भयानक तबाही का आगाज था। ये दोनों बल्लेबाज समय के साथ और तेज और विस्फोटक होते जा रहे थे। 8th ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से रोहित और राहुल ने डिसिल्वा को 16 रन जड़ दिए। पारी के महज 8 ओवर खत्म हुए थे, ये दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 9th ओवर में कप्तान रोहित के रौद्र रूप का सामना कुड़ारत्ने को करना पड़ा। इस ओवर में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से कप्तान रोहित शर्मा ने 21 रन जड़ दिए और इन्हें 21 के साथ कप्तान रोहित का अर्धशतक पूरा हो चुका था। अब पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया के खाते में 117 रन थे, परंतु कप्तान रोहित का आक्रमण अभी भी लंका पर जारी था। 11th ओवर में भारतीय कप्तान के निशाने पर था श्रीलंका का कप्तान और इस ओवर में भारतीय कप्तान ने लंका के कप्तान को बैक टू बैक 4 बड़े छक्के चढ़ दिए। जिस कदर उस दिन वो उस वक्त कतर मचा रहा था, यकीन मानो प्रलय की परिभाषा अगर जानना है तो उस मैच को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये वही मैच था जिसमें लंका का सबसे अनुभवी प्लेयर मैदान छोड़कर भाग गया था। वरना कहा जाता है कि रोहित का ये शतक और भी तेज हो सकता था। 12th ओवर में इस चौके के साथ विश्व क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज T20 शतक आ चुका था। महज 35 गेंदों में आया ये शतक रोहित को उस विनाशकारी विध्वंसक प्रलय की परिभाषा को परिभाषित कर रहा। वो किस लेवल का बल्लेबाज है इस बात को प्रकट कर रहा था कि आदत है बड़ी बारी करने की। वो फिर 50 नहीं बनाता, फिर वो 100 पे जाता, फिर वो 200 पे जाता। 35 गेंद में T20 का 100, रोहित शर्मा कहीं आज 200 ना बना। इस तरह की एरोगेंस किसी की बल्लेबाजी में नहीं देखी है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड शतक बनाया है, 35 बॉलों में T20 का शतक। शतक के बाद रोहित शर्मा ने 13th ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में
शमीरा को 16 रन चढ़ दिए। ओवर की चौथी बॉल और इस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु एक बड़े शॉट के प्रयास में धनंजय के हाथों हिटमैन के इस आतंक का अंत हुआ। 43 गेंदों में खेली गई 118 रनों की ये पारी, इस पारी में 10 छक्के और 12 चौके शामिल थे। इस मैच में हिटमैन ने महज 43 गेंदें खेली थी और आधे से अधिक गेंदों में उन्होंने बाउंड्री लगाई थी। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 196 रन थे। केएल का बल्ला अभी भी गरज रहा था। राहुल और धोनी ने मिलकर के 17वें ओवर में एक बार फिर से धनंजय को 3 बड़े छक्कों के साथ 21 रन जड़ दिए। धोनी और राहुल ने 18वें ओवर में ठीक यही असर समता का किया। 19वें और 20वें ओवर में लंका का मिनी कमबैक होता है और लंका की गेंदबाजों ने टीम इंडिया के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया, परंतु तब तक टीम इंडिया 120 गेंदों में 260 रन बना चुकी थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा लंकाई गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। 120 गेंदों में 260 रन, दुनिया की नजरों में लंका तो मैदान में थी परंतु मैच में कहीं नहीं थी, क्योंकि अपने प्राइम दौर से गुजर रहे जसप्रीत बुमराह और कुलचा की जोड़ी का सामना करना आसान नहीं होने वाला था। परंतु लंका मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने भी पलटवार की सोची और शुरुआती 3 ओवर में 27 रन चढ़ डाले। 5वें ओवर में जयदेव नाथकट ने डिगवेला को आउट कर अपने अस्तित्व का परिचय दिया। पावर प्ले में लंका की विस्फोटक शुरुआत हो चुकी थी। पावर प्ले में लंका महज एक विकेट खो करके 61 रन बना चुकी थी, परंतु ये रन गति उस स्टेज के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट उस दिन 15 के पार था। 10 ओवर की समाप्ति तक लंका के खाते में 102 रन जरूर थे, परंतु अगली 60 गेंदों में 158 रनों की जरूरत थी। लंका की उम्मीद लंका के 2 बल्लेबाजों पर टिकी थी। लंका के ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिए, परंतु उनका ये प्रहार उस लक्ष्य वेदन के लिए कम था। अगले 3 ओवर में कुलचा के पलटवार से लंका के 7 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इन दोनों के पलटवार के सामने लंकाई बल्लेबाज 18 ओवर तक सिमट गए। अब लंका 18 ओवर खत्म होते होते 172 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया ये मैच 88 रनों से जीत चुकी थी। लंका को एक विशाल हार का सामना करना पड़ा। ये मैच विश्व क्रिकेट इतिहास में रोहित की इस पारी, रोहित के इस आतंक के लिए जाना जाता है। ये रहा लंकाई बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। लंका की ओर से कुशल परेरा ने सर्वाधिक 37 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए। वहीं उपल थरंगा ने 29 गेंदों में 47 रन बनाए और ये रहा भारतीय गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से चहल ने 4 ओवर में 52 रन दे करके 4 विकेट। उम्मीद है कि आपको हमारी आवाज, हमारे अंदाज में ये मैच स्टोरीज, ये कहानी पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को, और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर बात करनी है तो आइए हम मिल करके बात करते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।